बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज इस वीडियो में हम आपको एक 4 मरला डबल स्टोरी डबल यूनिट घर का विजिट करवाएंगे जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूज, अगर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा इस घर की डिमांड, और बाकी तमाम तर डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम आपसे वीडियो के दौरान शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ व्यूज़, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है वो काइंडली जीटी रोड के करीब मोरगा अस्की 14 के करीब का जो एरिया बनता है वहाँ पे भी जो है वो घर लेके आया करें। तो ये घर हम स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए लेके आए हैं जिनको इस लोकेशन में घर चाहिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं हम बाकी विजिट की जाने जी। तो व्यूज़, ये आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ये इस एरिया की मेन रोड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेन रोड के बिल्कुल करीब ये घर अवेलेबल है सेल के लिए। ये इस घर का मेन डोर, मेन गेट, चलते हैं हम फर्दर बाकी विजिट की जाने। तो व्यूज, कार पोच की अगर हम बात करें तो कार पोच में जो है वो एक गाड़ी पार्क की जा सकती है। फ्लोरिंग पे जो है वो यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया ब्लैक कलर की स्कॉटिंग के साथ। ये स्टेज जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दी गई हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है और ये इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। तो हम आपको लेके चलते हैं मेन एंट्रेंस से घर के अंदर। यहाँ पे जो है वो एक पाउडर रूम भी दिया गया है जो कि आप ड्राइंग रूम और टी वी लाउंज के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसके मेन डोर का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। जी तो व्यूज़, हम आ चुके हैं घर के अंदर। मेन एंट्रेंस में सबसे पहले राइट साइड पे जो है आप इसका खूबसूरत किचन देख सकते हैं। ओपन किचन यहाँ पे दिया गया, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ। अगर आप पार्टीशन करके इसको सेपरेट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पार्टीशन करके इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो है वो दोनों ऑप्शंस दी गई हैं। किचन के बाद आप इसका टी वी लाउंज देख सकते हैं। ये इसका LED पॉइंट भी आप देख सकते हैं और खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका ड्राइंग रूम। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैंसी टाइल वर्क किए गए मैचिंग स्कॉटिंग के साथ। ये इसका ड्राइंग रूम जहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। अगर आप इसको भी सेपरेट करना चाहते हैं तो आप पार्टीशन करके इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि आप ड्राइंग रूम सेपरेट और किचन जो है वो क्लोज किचन की वीडियोज़ भी लेके आया करें। तो हमारे वो क्लाइंट्स भी जो है वो इसको पार्टीशन करके सेपरेट कर सकते हैं। किचन, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज के बाद इस चलते हैं हम इसके बेडरूम की जानिब। तो ये ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ। और ये इसका बाथरूम जहाँ पे जो है वो इंडियन सीट का इस्तेमाल किया गया, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है और एग्जॉस्ट फैन जो है वो बीच में फिक्स नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की जानिब। तो ये इसका सेकंड बेडरूम, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी विंडो दी गई है। फ्लोरिंग जो है वो पूरे घर में एक ही पैटर्न के टाइल वर्क किए गए। और ये इसका बाथरूम, इस बाथरूम में जो है कमोड का इस्तेमाल किया गया और वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस दी गए हैं। वार्डरोब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 3 डोर के साथ इसकी वार्डरोब भी अवेलेबल है। जी तो व्यूज, इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ जो है वो किचन दिया गया और इसके बाद ये इसका टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और ये इसका फर्स्ट बेड और सेकेंड बेड। तो चलते हैं हम बाकी विजिट की जानिब। फर्स्ट फ्लोर का ये एरिया आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन भी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। ये इसकी मेन एंट्रेंस, ओपन किचन, टीवी लाउंज और ये इसका ड्राइंग रूम।
किचन, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च के बाद ये इसका फर्स्ट बेड, खूबसूरत सीलिंग डिजाइन के साथ, और ये इसका बाथरूम। इस बाथरूम में जो है वो इंडियन सीट का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई है। एग्जॉस्ट फैन अगर आप खुद से लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका सेकंड बेडरूम। ये इसका सेकंड बेडरूम, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी विंडो दी गई है। वार्डरोब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 3 डोर के साथ वार्डरोब भी अवेलेबल है। और ये इसका बाथरूम जहाँ पे जो है वो कमोड का इस्तेमाल किया गया। तो इसके साथ ही व्यूज, फर्स्ट फ्लोर का विजिट भी कंप्लीट हुआ। डबल यूनिट है रही है और मेन एंट्रेंस के साथ बिल्कुल आप इसका किचन देख सकते हैं। यहाँ पे इसका टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, फर्स्ट बेड और सेकंड बेड। अगर आपकी 2 फैमिलीज हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो लास्ट में हम जो है वो इसका आपको छत भी दिखा देते हैं। छत पे जो है ये इसकी ममटी, और ममटी के बाद हम आपको दिखाते हैं इसका छत। तो ये आप इसका देख सकते हैं छत का व्यू भी। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पिंडी बोर्ड का जो दफ्तर है वो यहाँ पे बिल्कुल इसके करीब है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं असली 14 के जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जी तो वीज, इसके साथ ही इस घर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि घर 4 मरला भी बना हुआ है, डबल स्टोरी घर है, डबल यूनिट घर है। आप अगर एक पोर्शन को रेंट पे देना चाहते हैं तो आप एक पोर्शन को रेंट पे भी दे सकते हैं, और अगर आप फुल घर यूज़ करना चाहते हैं तो आप फुल घर भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूज, इस घर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस घर की जो लोकेशन है वो मोरगा है, और ये जीटी रोड के बिल्कुल करीब है। असली 14 जो है वो भी इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, इस घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 4 मरला डबल स्टोरी डबल यूनिट घर है। अगर हम इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो 1,20,00,000 है, जो कि नेगोशिएबल है। पानी का जो है वो इस घर में बोर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, गैस की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट कर दी गई है, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर लग जाएगी। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंट सोसाइटीज़ की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी सोसाइटीज़ की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें चकलाला स्किन 3, अस्की THA, बैरियर टाउन, एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी, पिशावर रोड, गुलरेज, और इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ की वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।